चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करते हैं अपने इंटीरियर से रिलेटेड कुछ कोर्सेज की, जिसके अंदर सबसे पहले ऑटोकैड आता है। ऑटोकैड के अंदर आप अलग अलग तरह की ड्राइंग्स बना सकते हो, जैसे कि फ्लोर प्लान्स आप क्रिएट कर सकते हो इस टाइप से, जिसके अंदर आप अलग अलग लेवल्स आप बना सकते हो, एलिवेशन बना सकते हो, सेक्शंस बना सकते हो। ऐसी आप और ड्राइंग बना सकते हो, जैसे कि ये हो गया आपकी किसी टॉयलेट की, तो इसके अंदर आपको सारे एलिवेशन दिखाने हैं। तो ये प्लान हो गए ए बी सी डी, और ये इसके अंदर एलिवेशन ए, एलिवेशन बी, एलिवेशन सी और डी, मतलब चारों साइड की डिटेल आपको इसमें देनी होती है। ऐसी किसी वार्डरोब वगैरह की आपको दिखानी है, तो ये वार्डरोब का एलिवेशन हो गया, ये ओपन करके दिखा दिया, मतलब एक तरीके से सेक्शन टाइप दिखा दिया, ये टॉप भी हो गया। इस तरीके से आप सारी ड्राइंग्स ऑटोकैड में बना। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की, स्केचअप की। तो यहाँ से मैंने स्केचअप ओपन कर लिया। स्केचअप क्या एक 3D सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर आप 3D बना सकते हैं। इसमें भी आप वीरे वगैरह कर सकते हैं, जैसे आप मैक्स में करते हैं, मतलब टेक्सचर लाइटिंग वगैरह। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे एक फ्लोर प्लान बना दिया सिंपल से, एक रूम के हिसाब से। तो इसमें भी कमांड्स होती हैं आपकी, बिना कमांड के तो कोई सॉफ्टवेयर होता ही नहीं। तो हर सॉफ्टवेयर में बहुत सारी कमांडें होती हैं, अलग अलग तरह का उनका यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, उन्हीं कमांड की हेल्प से एक फ्लोर प्लान बना लिया। अब वॉल्स मुझे बनानी है, तो वॉल मुझे बनानी है मान लो 9 इंच कॉमा 15 फिट, हाइट रखी 10 फिट। इसको ग्रुप कर लेते हैं, एक कॉपी लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक। इसके ऊपर एक रूफ डाल देते हैं, अब यहाँ पे एक विंडो ओपन कर देते हैं। जैसे सपोज मुझे विड डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ से ऐसे मार्किंग कर लिया अपने, एक फिट ले लिया ऐसे, हाइट ले ली 6 फिट, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब रूम मेरा रेडी है, इसके अंदर क्या करना है मुझे, एक कॉम्पोनेंट लेके आना अपना। तो फाइल लिया, ओपन किया मैंने यहाँ से, या फाइल लेके आप यहाँ से इम्पोर्ट करो। तो इसकी लाइब्रेरी होती है एक, जहाँ से हम अपना फर्नीचर वगैरह पिक कर सकते हैं। दूसरा फर्नीचर लेते हैं, ये कंप्लीट फर्नीचर है। पिछला फर्नीचर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें सिर्फ एक सोफा ही था, इसमें मेरे पास सोफा भी है, टेबल भी है, काफ़ी आइटम्स हैं। अब इसको रेंडर करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक पोजिशन ली मैंने, यहाँ प्लेस कर दिया। हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं पोजिशन के थ्रू। तो ये मेरा एक सेटअप रेडी हो गया। अब इसको क्या करना है, मुझे सीन को सेव करना है। उससे पहले हमें क्या करना है, एक सेव फ्रेम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है सेटिंग, सेटिंग में होता है रेंडर आउटपुट, सेव फ्रेम ऑन करें आप। अब जो भी इसके अंदर आएगा वही आपका रेंडर में आएगा, मेन विंडो है मतलब आपकी है। इसको और अंदर की तरफ रखते हैं बस। अब इसको हम रेंडर करके देखते हैं फाइनली। तो यहाँ पर रेंडर पे आपको क्लिक करना है, ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें भी मॉडलिंग होती है, रेडीमेड कंपोनेंट्स होते हैं और हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये भी इंटीरियर का ही सॉफ्टवेयर है आपका, तो ये अभी रेंडरिंग प्रोसेस चल रहा है इसका, तो बस अब रेंडरिंग होने वाली है। अभी आप ये डॉट्स वगैरह देख रहे हो, सब क्लियर हो जाएंगे आपके। ये हो गया फाइनल रेंडर आपका, क्लीन हो गया। अब इसको सेव करना है, तो अपना सिंपल सेव करते हैं। कहाँ सेव करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप पे कर लेते हैं इसको, JPEG फॉर्मेट में। यहाँ लिख दिया मैंने स्केचअप और सेव कर लेते हैं, स्केचअप इन लिख दिया सेव। अब चेक करते हैं बाहर की तरफ, कहीं कोई इमेज आई हमारे पास, ये आ गई। इसे आप देखो, ये आपका इमेज रेडी हो गया। इस बार हम रेविट की बात करते हैं। रेविट में मैंने जैसे एक छोटा सा एक प्लान बना रखा है, इस प्लान में सपोज स्टेयर भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ और फिनिश, इसको थोड़ा सा मैंने आगे रख लिया। डोर विंडोज़ भी अप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, प्लान आपका रेडी है,
एलिवेशन आप यहाँ क्लिक करो, आपको मिल रहा है। फिर क्या करना, एक सेक्शन और एड ऑन कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करनी है सिंपल आपको, और सेक्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सेक्शन हो गया आपका, फ्लोर प्लान हो गया आपका, एलिवेशन भी हो गया। अब क्या करना है, एक शेड्यूल मुझे बनाना है कि भाई डोर विंडोज कितने लगे हुए हैं सपोज। तो शेड्यूल लिया, शेड्यूल क्वांटिटीज़, मुझे क्या डिटेल देनी है, मुझे यहाँ पे देनी है डोर्स की डिटेल। डोर लिया मैंने यहाँ से और ओके कर लिया। डोर की क्या क्या डिटेल आपको देनी है, सपोज कॉस्ट आपको देनी है, सपोज मार्किंग आपको देनी है, वेट, हाइट, तो जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से एड ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और ओके। तो इस तरीके से आ गया। अब मेरे को इसका टोटल कॉस्ट चाहिए, टोटल कॉस्ट कितना लगा, नंबर ऑफ डोर टोटल कितने हैं। तो क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं इसी में, और फॉर्मेट में जाके क्या करते हैं, कॉस्ट लेते हैं, कैलकुलेट टोटल्स कर देते हैं, और यहाँ पे ग्रांड टोटल्स कर देते हैं और ओके। तो इस तरीके से आप टोटल एक शेड्यूल भी बना सकते हो। अब ऐसे आपको विंडो शेड्यूल बनाना है, तो विंडो मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखिए सेम ऐसे ही बनता है। अब क्या करना है, मुझे प्रिंट में देना है सारी चीज़। तो हम क्या करेंगे, एक शीट ले लेंगे यहाँ से और ओके करते हैं। इस शीट में मुझे क्या करना है, अपना प्लान रखना है। अब प्लान बहुत छोटा दिख रहा है, तो क्या करें, पहले एक्टिवेट व्यू करके इसे क्रॉप व्यू, क्रॉप रीजन कर लें। डन हो गया। अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, स्केलिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट व्यू, स्केल अगर करना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा, कस्टम स्केल, कस्टम पे क्लिक किया, जितना भी आपको करना है, सपोज 1:30 करना है तो ये और बड़ा हो गया। मैंने कहा नहीं, मुझे 50 रखना है तो छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ स्केल करके इस पर रख सकते हैं। ऐसे एलिवेशन रखना है, क्लिक किया ड्रैग किया, सेक्शन लिया क्लिक किया ड्रैग किया। अब मुझे डोर शेड्यूल भी देना है, क्लिक किया ड्रैग किया, तो क्लिक और ड्रैग करना बस आपको। तो इस तरीके से हम अपना शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं, शीट भी कर सकते हैं, फ्लोर प्लान भी रेडी कर सकते हैं। तो ये हो गया रेविट आपका। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की, जो है 3ds Max, जिसके अंदर आप मॉडलिंग कर सकते हो, टेक्सचरिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग। तो कोई भी मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो किसी भी टाइप का। सपोज मैंने यहाँ पे एक मॉडल रेडी किया, चाहे वो घर का मॉडल हो, चाहे वो आपका किसी ब्रिज का मॉडल हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्रिज भी बनाया हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पे, या मान लो आपको कोई छोटा सा कोई कॉम्पोनेंट ही बनाना है आपको, इस टाइप से कोई अलमारी वगैरह आपने बना ली, तो अलग अलग चीज़ें आप इसमें बना सकते हो, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। सपोज मुझे कोई पैटर्न बनाना है फटाफट से, तो मैंने कहा एक जाली बना रहा हूँ मैं, कन्वर्ट टू कर लिया पॉली एज लिया, तो कई सारी कमांड होती हैं इसमें। और मैंने यहाँ पे पॉलीगन मॉडलिंग लिया, जनरेट टोपोलॉजी, मेरे को एक हनीकॉम पैटर्न चाहिए, बन गया पैटर्न इतनी जल्दी। फिर क्या किया हमने, इसको सेलेक्ट किया, अभी इसको जाली बनाना बाकी है, इंसर्ट करते हैं यहाँ से, लेते हैं बाय पॉलीगन, फिनिश और डिलीट, थोड़ी सी थिकनेस देते हैं, शेल करते हैं इसको, कोई कलर देना चाहते हैं कलर दे सकते हैं इसको, प्लस अगर मुझे इसको बैंड वगैरह कुछ करना है तो मैं बैंड वगैरह भी कर लेता हूँ इसको। तो इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो। अब अगर मैं एक पूरे पूरे घर की बात करूँ, कंप्लीट मैंने एक यहाँ पे मॉडल लिया हुआ, आप इसे देख लें, ये पूरा एक मॉडल है हमारे पास कंप्लीट, जिसमें किचन आपकी प्लानिंग की हुई है, लाइटिंग वगैरह की है, लाइटिंग वगैरह, फर्नीचर वगैरह सब रेडी है। अब क्या करना है इसमें, बस मुझे रेंडर करना है। तो एक छोटा सा रेंडर मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा मैं इसको। तो इस तरीके से रेंडर होता है, मैं पूरा कंप्लीट नहीं करूँगा, आप देख सकते हैं इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा लाइटिंग वगैरह कैसा है। अब ये क्लीनिंग करता रहेगा तो इसमें टाइम लेगा। तो ये आपका मैक्स है, जिसके अंदर आप कंप्लीट 3D मॉडलिंग कर सकते हो, चाहे इंटीरियर की बात करूँ चाहे एक्सटीरियर की।